ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप रोपड़ एसएसपी ऑफिस के बाहर देख सकते हैं। और खास तौर पर जिस तरह से कांग्रेसी लीडर्स का साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते अलका लांबा के ऊपर है एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एसएसपी ऑफिस रोपड़ के बाहर से देख सकते हो। लगातार बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये एफआईआर है रजिस्टर की गई। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को एफआईआर है रजिस्टर की गई थी और उसके बाद 22 अप्रैल को अलका लांबा के घर के बाहर नोटिस है वो चिपका दिया गया था जिसमें साफ तौर पर 27 तारीख के लिए उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि लगातार पीछे अब हंगामा है वो शुरू हो गया है हल्का। आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की है वो देखने को मिल रही है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इस हल्की धक्का मुक्की इस वक्त आप नजर देख रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिलाओं कांग्रेसी जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं उन्हें फिलहाल धक्का इस वक्त दिए जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप रोपड़ एसएसपी ऑफिस के बाहर से देख सकते हैं कि आप जबरदस्ती जो तमाम लीडर्स को इस वक्त धक्के हैं वो मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और जबरदस्ती तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्हें इस वक्त धक्के मारे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप एसएसपी ऑफिस के बाहर की देख सकते हैं यानी हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहा है। खास तौर पर आपको बता दें कि बार बार कांग्रेसी लीडर्स की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत एफआईआर है वो रजिस्टर की गई है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप बाहर एसएसपी ऑफिस के बाहर से देख सकते हैं कि महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो अंदर जाने की जिद कर रही है जद्दोजहद कर रही है और आप देख सकते हैं कि उन्हें फिलहाल रोका जा रहा है। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर इस वक्त ये हंगामा यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा।